हेड एग्रिस से साम अपनी जो बाजू होती है ना उसके बाजू पकड़ लेती है. यू थिंक सो, तुम्हें ऐसा लगता है. टेस्मन बट गुड हेवंस मिसेज एल्विस्टेड व्हाट मेक्स यू थिंक दैट. वो कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगा है. मिसेज एल्विस्टेड आई हेर्ड देम टॉकिंग अबाउट हिम एट द बोर्डिंग हाउस. मैंने बोर्डिंग हाउस पर कुछ लोगों को उनके बारे में बातें सुना है करते सुना है. एज आई वेंट इन, जैसे ही मैं वहाँ पर गई थी, ओ देयर आर द मोस्ट टेरिबल रिमूवर्स बीइंग स्पेयर्ड अबाउट हिम इन द टाउन टुडे. और कस्बे में भी जो है ना उनके बारे में आज बहुत सी खौफनाक अफवाहें जो है वो फैल रही हैं. टेस्मन Yes, I heard about them. मैंने भी उनके बारे में सुना है too. But I can testify that he went straight home to bed. वो कहता है लेकिन मुझे तो लगता है कि यानी वो सीधा जो घर से जो है ना अपने बिस्तर पे गया होगा. Hedda, well, what did they say in the boarding house? वो कहती है boarding house वाले क्या कह रहे हैं, क्या तुमने सुना उनके बारे में. Mrs. Silvestrid, oh, I could not find out anything. मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जान सकी. आई थर दे डिड नॉट नो और एल्स. शायद वो भी इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. दे स्टॉप टॉकिंग वैन दे सा मी. वो उन्होंने जो है ना बातें करना बंद कर दी थी जब उन्होंने मुझे देखा था. एंड आई डिड नॉट डेयर टू आस्क. और मैं भी उनसे नहीं पूछ सकी. टेस्मन फिडजेट्स अनइजीली. वो भी जो है ना अनइजी फील करते हैं. वी मस्ट होप, हमें उम्मीद रखनी चाहिए. वी मस्ट होप यू मिस हेयर दैम मिसेज एल्विस्टेड. वो मिसेज एल्विस्टेड से कहता है कि आप ये उम्मीद रखें कि तुमने गलत सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं है. मिसेज एल्विस्टेड, नो नो आई एम श्योर इट वॉज हिम दे वर टॉकिंग अबाउट. कहती है मुझे यकीन है कि वो मिसे इलिवर्टली बॉ के बारे में ही बात कर रही थी. आई हेयर दैम से समथिंग अबाउट अ हॉस्पिटल. और कहती है मैंने उनको ना किसी हॉस्पिटल के बारे में भी बात करते सुना था, इलिवर्टली बॉ के बारे में. टेस्मन हॉस्पिटल. हेडा, ओ नो श्योरली डैट्स इम्पॉसिबल. हेडा कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नामुमकिन है. मिसेज एल्विस्टेड, ओ आई बिकेम सो अफ्रेड. मुझे ज़्यादा इस बात का डर है. सो आई वेंट अप टू हिज रूम एंड आस्क टू सी हिम. मैं जैसे ही उसके कमरे में उसको देखने के लिए गई थी ना तो तब मैं ज़्यादा खौफजदा हो गई थी. हेडा, डू यू थिंक डैट वॉज वाइस थी. आपको क्या लगता है कि यानी वहाँ पर तुम्हें कोई चीज़ मिली थी या फिर तुम्हारा जो है ना उसके बारे में क्या ख्याल है कि वो कोई अकलमंद आदमी नहीं था, बेवकूफ़ था. मिसेज एल्विस्टेड, वेल वॉट एल्स कुड आई डू. मैं क्या कर सकती थी. आई कुड नॉट बियर द अनसर्टेनिटी एंड लॉन्गर. मैं यानी उसे कहती मुझे ऐसी खौफजदा हो गई थी कि मुझे उसके बारे में कोई चीज़ समझ नहीं थी आ रही. टेस्मन बट यू डिड नॉट मैनेज टू फाइंड हिम आइदर. व्हाट, तो क्या तुमने उनको ढूंढने की कोशिश भी नहीं की. मिसेज एल्विस्टेड, नो एंड दे हैड नो आइडिया वेयर ही वाज. और कहते हैं किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि वो कहाँ पे है. दे सेड ही हैड नॉट बीन होम सिंस यस्टरडे आफ्टरनून. और कहते हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि वो कल दोपहर से जो है ना नहीं यहाँ पे आया नहीं है. टेस्मन, सिंस यस्टरडे, कल से. फैंसी डेट. मिसेज एल्विस्टेड, आई एम श्योर ही मस्ट हैव मेट विद एन इंसिडेंट. वो कहते हैं मुझे पूरा यकीन है कि उसके साथ ज़रूर कोई हादसा हो गया. टेस्मन, हेडा, आई वंडर इफ आई ऑट टू गो इन टू टाउन एंड मेक वन आर टू इंक्वायरीज. वो कहते हैं मुझे लगता है कि हमें जो है ना टाउन में जाना चाहिए और कुछ लोगों से उसके बारे में पूछताछ करनी चाहिए, कुछ पूछ लेना चाहिए लोगों से. हैड नो नो डोंट यू गेट मिक्स अप इन दिस. वो कहते हैं तुम इस मामले में बिल्कुल ना पड़ो. जज ब्रेक एंटर्स फ्रॉम द हॉल. जज ब्रेक जो है हॉल में एंटर होता है. हैट इन हेयर्स बर्था हु हैज़ ओपन द डोर फॉर हिम. बर्था ने उसका दरवाज़ा खोला होता है. क्लोजेज इट, उसे बंद कर देती है. ही लुक सीरियस एंड ग्रेट्स देम साइलेंटली. वो उनको बहुत सीरियस दिखाई देता है और वो खामोशी से उनको मिलता है. डेस्मन, हेलो माई डियर जज, फैंसी सींग यू. तुम्हें देख के अच्छा लगा है. ब्रेक, आई हैड टू कम एंड टॉक टू यू. वो कहते हैं मुझे यहाँ पे आना पड़ा है, तुमसे कुछ बात करना थी. डेस्मन, आई कैन सी आंट जूजोज टोल्ड यू द न्यूज़. वो कहते हैं मुझे लगता है कि आंट जूजो ने तुम्हें कोई खबर सुना दी होगी. टेस्मन, जैस आई हैव हर्ड अबाउट डैट टू. वो कहते हैं हाँ मैंने उसके बारे में भी सुना है. टेस्मन, ट्रेजिक इज नॉट इट. क्या ये ट्रेजिडी नहीं होगी कि इसके अलावा भी कुछ है. ब्रेक, वेल माई डियर चैप, डैट डिपेंड्स हाउ यू लुक एट इट. वो कहते हैं कि ट्रेजिडी तो है लेकिन अब ये तो आप पे है ना कि आप इसको कितना सीरियस लेते हैं या कितना इसके बारे में सोचते हैं. टेस्मन लुक्स अनसर्टेनली एट हिम. उसको जो है ना हैरान होकर देखते हैं. समथिंग एल्स हैपन, क्या इसके अलावा भी कुछ हुआ है. ब्रेक, यस, हैड अनदर ट्रेजिडी. क्या कोई और भी ट्रेजिडी हुई है, मतलब वो आंट रीना की डेथ के अलावा. ब्रेक, दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट इट. मिसेज टेस्मन, मिस टेस्मन को भी कहता है कि अब ये आपकी सोच है कि आप इसको कैसे लेते हैं, कैसे सोचते हैं. मिसेज एल्विस्टेड, इट्स समथिंग टू डू विद इलिटली बॉ. कहते हैं मुझे पता है इलिटली बॉ के साथ ही कुछ हुआ होगा. ब्रेक लुक्स एट हर फॉर अ मोमेंट. एक लम्हे के लिए उसको देखते हैं. हाउ डिड यू गेस, तुमने कैसे अंदाजा लगाया. परहैप्स यू हैव हर्ड ऑलरेडी, क्या तुम इसके बारे में पहले ही सुन चुकी हो. मिसेज एल्विस्टेड कन्फ्यूज हो जाती है. नो नो नॉट एट ऑल. आई नहीं नहीं पहले तो नहीं था पता. टेस्मन, फॉर हेवन सेक टेल अस. वो कहते हैं खुदा का वास्ता हमें बता दो क्या बात है. ब्रेक, श्रग्स हिज शोल्डर, अपने कंधे उचकाता है. वेल आई एम अफ्रेड दे हैव टेकन हिम टू द हॉस्पिटल, ही इज डाइंग. वो मर रहा था और कुछ लोग जो है ना उसको अस्पताल ले गए हैं. मिसेज एल्विस्टेड स्क्रीम्स, वो चिल्लाती है ओ गॉड. टेस्मन, द हॉस्पिटल डाइंग, क्या मतलब हॉस्पिटल ले गए हैं. वो मर रहा था, क्या हुआ उसे. हैड इनवॉलेंट्रीली सो क्विकली. वो यानी जो है ना गैर इरादी तौर पे उसके मुंह से निकल जाता है कि इतनी जल्दी मर गया. मिसेज एल्विस्टेड वीपिंग, रो रही होती है. वो हैड एंड वी पार्टेड एनिमीज, क्या हमारी दुश्मनी अब खत्म नहीं हो सकती.
हेडा विस्पर, वो उससे गोशी करती है, थी थी मिसेज दिलविस्टेड इग्नोरिंग हर, आई मस्ट सी हिम, वो उसको इग्नोर करते हुए कहती है कि मैंने उसको देखने के लिए जाना है, मैं उसे मिलना चाहती हूँ, आई मस्ट सी हिम बिफोर ही डाइज, मैं उसके मरने से पहले उसे एक दफ़ा मुलाकात करना चाहती हूँ, उसे देखना चाहती हूँ। ब्रेक, इट्स नो यूज, अब कोई काम यानी इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, मिसेज सिल्वेस्टर, नो वन अलाउड टू सी हिम, नो कोई भी आपको उससे मिलने नहीं देगा, मिसेज सिल्वेस्टर, बट व्हाट्स हैपेंड टू हिम, यू मस्ट टेल मी, प्लीज़ मुझे बताओ कि उनको हुआ क्या था, टेस्मन ही हैज़ नॉट ट्राई टू डू एनीथिंग टू हिमसेल्फ, बट टेस्मन कहता है कि उसने खुद से यानी खुदकुशी करने की तो कोशिश नहीं की या खुद को मारने की कोशिश तो नहीं की। हेडा, यस ही हैज़, आई एम श्योर ऑफ इट, हेडा कहती है मुझे लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, उसने खुद अपनी जान लेनी चाहिए होगी। टेस्मन, हेडा हाउ कैन यू, तुम्हें कैसे पता है, तुम कैसे ऐसा कह सकती हो। ब्रेक, Who has not taken his eyes from her? किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा, ये मैं afraid you have guessed correctly, लेकिन मुझे लगता है कि आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है मिसेज टेस्मन, मिसेज टेस्मन, मिसेज इल्विस्टेड कहती हैं, हाउ ड्रेडफुल, कितनी खौफनाक बात है, कितनी डरावनी बात है, टेस्मन अटेम्प्टेड सुसाइड, के टेस्मन कहते हैं उसने मतलब खुदकुशी की कोशिश की है, फैंसी डेड, बहुत हैरान कन बात है ये तो। हेडा शॉट हिमसेल्फ, हेडा के मुंह से फिर निकल जाता है कि उसने खुद को शॉट किया होगा, खुद को पिस्टल से मारा होगा। ब्रेक, राइट अगेन मिसेस टेस्मन, मिसेस टेस्मन आप दोबारा सही बात कह रही हैं। मिसेस सिल्वेस्टर ट्राइज टू कंपोज हरसेल्फ, व्हेन डिड दिस हैपन, जज ब्रेक, वो खुद को जो है ना वो जरा पुरसकून करने की कोशिश करती हैं और उससे पूछती हैं कि जज ब्रेक ऐसा कब हुआ था। ब्रेक, दिस आफ्टरनून बिटवीन 3 and 4, तकरीबन 3-4 बजे के का टाइम था आज की दोपहर में। टेस्मन, बट गुड हेवंस वेयर, बट फिर वो टेस्मन पूछता है कि ये वाकया कहाँ पे हुआ है, यानी कि कहाँ पे जाके उसने खुद को शॉट किया है। ब्रेक, और लिटल हेस्टिटेंटली, वेयर वाई माई डियर चैप, इन हिज रूम्स ऑफ कोर्स, यानी वो कहता है कि कहाँ कहाँ पे होना था, उसके अपने कमरे में जाकर उसने खुद को मारा है। मिसेज सिल्वेस्टर, नो डैट्स इम्पॉसिबल, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नामुमकिन है, आई वॉज देयर सून आफ्टर 6, मैं तो 6 बजे के बाद वहाँ पर गई थी उसके कमरे में। ब्रेक, वेल इट मस्ट हैव बिन समवेयर एल्स देन, फिर कहते हो सकता है फिर उसने कहीं और जाके अपनी जान ली हो, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे इसके बारे में बिल्कुल सही तो नहीं पता, आई ओनली नो वॉट दे फाउंड हिम, ही इज शॉट हिमसेल्फ थ्रो द ब्रेस्ट, वो कहता है कि बस मुझे जहाँ तक पता चला ना वो ये है कि यानी उसने अपनी ब्रेस्ट में जो है शॉट किया है, पिस्टल से खुद को गोली मारी है। मिसेज सिल्वेस्टर, ओ हाउ हॉरिबल, कितनी खौफनाक बात है, डैट ही शुड एंड लाइक डैट, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हेडा इन हेडा टू ब्रेक थ्रो हिज ब्रेस्ट, यू सेड, क्या मतलब उसने अपनी यानी छाती में गोली मारी, अपने सीने में गोली मारी है। ब्रेक, डैट इज़ वॉट आई सेड, हाँ ऐसा ही है जो मैंने तुमसे कहा है। हेडा नॉट थ्रो हिज हेड, यानी अपने सर में नहीं मारी, अपने दिमाग में नहीं मारी। ब्रेक, थ्रो द हेड, मिस्टर एसमन क्या मतलब है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि उसने जब मैं जो कह रहा हूँ कि उसने सीने में गोली मारी है। हेडा द ब्रेस्ट, यस यस, हाँ हाँ सीने में कह रही हैं, डैट्स गुड टू, ठीक है। ब्रेक्स, वाई मिसेस एसमन, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। हेडा, ओ नो आई डिड नॉट मीन एनीथिंग, वो कहते मेरा ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं था, मतलब वो उसके मुंह से इस तरह की बातें निकली है ना क्योंकि उसने खुद उसको खुदकुशी के लिए उकसाया था तो वो अपने आप को रोक नहीं पा रही, और जो जज ब्रेक होता है ना उसे उस पर शक हो जाता है कि यानी इसका कोई ना कोई हाथ ज़रूर है उसके मर्डर में। टेस्मन एंड द वाउंड्स डेंजरस, यू से व्हाट, और वो कहते हैं कि क्या लगता है कि उसको जो जख्म आए हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकती हैं, उससे इसकी जान जा सकती है। ब्रेक, मॉर्टल ही इज़ प्रॉब्ली ऑलरेडी डेड, वो कहते हैं कि तकरीबन वो जो है ना पहले लोगों से ये सुना है कि वो पहले ही तकरीबन आधा मर चुका था और मुश्किल है उसका बचना। मिसेज सिल्वेस्टर, यस यस आई फील इट, हाँ मैंने भी ये महसूस किया था, इट्स ऑल ओवर, ऑल ओवर, ओ हेडा, वो कहते हैं मुझे पहले ही लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी का जो है ना एंड आ गया है। टेस्मन, बट टेल मी हाउ डिड यू मैनेज टू लर्न ऑल दिस, टेस्मन कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें सब कुछ कैसे पता चला। ब्रेक, कर्ट ली जल्दी से बोलता है, फ्रॉम द पुलिस आई स्पोक टू वन ऑफ देम, वो कहते हैं मुझे, वो कहते हैं मुझे पुलिस ने बताया और उनमें से एक से मेरी बात हुई थी। हेडा लाउडली क्लियरली, वो जोर से कहती है थैंक्स गॉड एट लास्ट, फिर वो शुक्र अदा करती है कि यानी उसने अपनी जान तो लेना, खुद मर तो गया ना। हेडा टेस्मन अपेल्ड, टेस्मन जो है ना खौफजदा हो जाता है, फॉर गॉड सेक हेडा व्हाट आर यू सेइंग, यानी खुदा का खौफ करो, तुम ऐसा क्यों कह रही हो, उसके मरने पर शुक्र क्यों अदा कर रही हो। हेडा आई एम सेइंग देयर इज़ ब्यूटी इन व्हाट ही हैज़ डन, वो कहती है मुझे लगता है कि जो उसने किया ना वो उसी में ब्यूटी थी, वो उसके लिए अच्छा हो गया, बल्कि अच्छा किया उसने अपनी जान ले ली है। ब्रेक मिस टेस्मन, वो कहते हूँ कह के जो है ना उसको वो समझ आता है कि यानी ये जो है ना कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। टेस्मन ब्यूटी, ओ बट आई से, वो कहता तुम इसको ब्यूटी क्यों कह रही हो। मिसेज सिल्वेस्टर हेडा हाउ कैन यू टॉक ऑफ ब्यूटी इन कनेक्शन विद अ थिंग लाइक दिस, वो कहते हैं कि नहीं तो उसकी मौत के वाकये को जो है एक ब्यूटी से जो है वो कंपेयर कर रही है, ये क्या सीन है, वो उसे समझ नहीं आ रही लोगों को उनकी बातों की। हेडा इलेट बॉग है सेटल्ड हिज अकाउंट विद लाइफ, वो कहते हैं कि उसने जो है अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है। हीज़ हैड द करेज टू डू वट ही हैड टू डू, यानी वो उसको जो करना चाहिए था वो करने का उसमें हौसला था, मतलब अब उसको मर जाना चाहिए था, उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा था तो उसने ऐसा किया, तो ये ब्यूटी ही है ना। मिसेज सिल्वेस्टर नो डैट्स नॉट वाई इट हैपन्ड, ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया। ही डिड इट बिकॉज ही वॉज मैड, उसने इसलिए अपनी जान लिया क्योंकि वो पागल था।
टेस्मन ही डिड इट बिकॉज ही वॉज डिस्परेट, उसने टेस्मन कहता नहीं उसने इसलिए किया क्योंकि वो जो था अब नाकाम हो चुका था, वो जो था मायूस हो चुका था। हेडा यू आर रॉन्ग, नो हेडा कहती है मुझे पता है कि तुम आप गलत हैं, मिसेज सिल्वेस्टर ही मस्ट हैव बीन मैड, वो पागल उसको पागल हो जाना चाहिए था, द सेम एज व्हेन ही टोर अप द मैन्युस्क्रिप्ट, जब उसने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को फाड़ दिया तो वो पागल ही कहलाएगा ना। ब्रेक स्टार्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट, फिर वो मैन्युस्क्रिप्ट की बात शुरू करता है, डिड ही टियर इट अप, क्या उसने उसको फाड़ दिया था, मिसेज सिल्वेस्टर यस लास्ट नाइट, हाँ पिछली रात उसने फाड़ दिया था। टेस्मन विस्पर्स, टेस्मन सरगोशी करता है, ओ हेडा वी शैल नेवर बी एबल टू एस्केप फ्रॉम दिस, मतलब हम इस वाकये से जो है इस हादसे से भाग नहीं सकेंगे, बच नहीं सकेंगे। ब्रेक होम स्ट्रेंज, बहुत अजीब बात है। टेस्मन वंडर्स अराउंड द रूम, जो है ना चक्कर लगाने लगता है कमरे में हैरान होके, टू थिंक अफिलियट डाइंग लाइक दैट एंड नॉट लिविंग बिहाइंड हिम द थिंग दैट वुड हैव मेड हिज नेम एंड्योर, वो कहता है कि यानी और जो इलिटली बॉग है ना उसने तो अपनी जान तो ले ली है लेकिन यानी वो अपना एक नाम छोड़ के जा रहा है और उसको जो है ना लोग भूल नहीं सकेंगे। मिसेज लिविस्ट इफ ओनली इट कुड बी पीस टुगेदर अगेन, वो कहते हैं कि मैं तो ये चाहती हूँ कि यानी उसको उसको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए, वो दोबारा जो है ना वो उसको मौका मिल जाए जीने का।